जाबो धमाल का कर ले तसरे टेंशन अरे का कर ले तसरे टेंशन जब अफसर बन के ते कर पे धमाल ये कैसे होगा सर आशीष। यस सर। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि श में छोटी की मात्रा लगती है कि बड़ी की मात्रा आशीष में? सर इसमें बड़े की मात्रा रहता है सर। आपने अपने नाम में छोटी ही लगाया बेटा? सर प्राथमिक शाला में था सर, तब जो टीचर्स थे वो छोटी की मात्रा लिख दिया, तब से हिंदी में हमेशा से छोटी ही आ रहा है पूरे मार्कशीट में। गड़बड़ हो गया है तो मतलब है ना? नहीं फिर खैर आपके लिए लक्की साबित हुआ है ना। आप कब से तैयारी कर रहे हैं CGPSC की? सर ग्रेजुएशन के बाद जो कोरोना महामारी की स्थिति बना था सर, तब से तैयारी कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको किसने प्रेरित किया CGPSC की तैयारी के लिए? सर जो अब 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ है, उसके बाद सर जो गेट में अटेम्प्ट दिया था ठीक स्कोर नहीं आया था, तो जो कोरोना महामारी की स्थिति बनी थी उस दौरान जो सिविल सर्वेंट ही थे जो एक समाज के लिए काम कर रहे थे एक बेहतर तरीके से, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था सर। डॉक्टर्स भी थे साथ में? डॉक्टर्स भी थे सर, लेकिन एक मेरे लिए जो अब मैं देखा तो ग्रेजुएशन के बाद जो सिविल सर्वेंट बनना था तो वो एक अर्हता के रूप में सर ग्रेजुएशन था। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है? यस सर। 2019 में? यस सर। इसमें आपका 67.09% है? यस सर। तो लगभग मेरे ख्याल से CSVT में 65% फर्स्ट डिवीजन रहता है? यस सर। आप तो एकदम फर्स्ट डिवीजन के आसपास ही आए हैं, क्योंकि देखिए 10वीं में आपका 74%, उसके बाद 88%, तो और आगे बढ़ना चाहिए था, फिर कम कैसे हो गया? सर मैं मेहनत किया था सर, लेकिन जो मेरा स्कूली शिक्षा था वो हिंदी मीडियम से था, और यहाँ जो अचानक से अंग्रेजी माध्यम पे आया तो थोड़ा शुरुआत में एक साल थोड़ा समय लगा था सर, और उसके बाद फिर इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो नहीं पाया था। खैर परसेंट कभी जीवन में मायने नहीं रखता, मेरा तो ऐसा ही मानना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको प्रेम रहा होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सभी आपने ये किया? हाँ सर, जो PET का स्कोर कार्ड आया था उसके बाद मैं सीनियर्स लोगों से गाइडेंस लिया था कि कौन सा ब्रांच में जाना चाहिए, तो गाइडेंस के आधार पर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चुना था सर। सिविल सर्विस में यदि आपको जाना था तो आप UPSC की भी तैयारी कर सकते थे, वहाँ आप ऑप्शनल ले सकते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस सर। सर UPSC की भी तैयारी किया जा सकता था सर, लेकिन CGPSC फिर मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का फायदा क्या हुआ फिर आपके जीवन में, क्या फायदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का? अब कोई दूसरी ब्रांच से भी कर सकते थे या BA BSc भी कर सकते थे यदि सिर्फ सिविल सर्विस बनना था तो? सर जो 12th था सर उसके बाद मैथ्स बैकग्राउंड से 11th 12th हुआ था, तो उसके बाद एक समाज में रहता है कि प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं था सर, तो जो मेरे को गाइडेंस मिला कि इसके बाद स्कोर परसेंटेज अच्छा है 12th में तो उसके बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ऐसा गाइडेंस मिला था तो मैं सर इंजीनियरिंग की ओर चला गया सर। ये बच्चों को पढ़ाने का अनुभव कहाँ से आया आपका, इंजीनियरिंग के बाद यहाँ बच्चों को पढ़ाना ये आपकी कैसे हॉबी बनी? सर जब मैं सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट किया सर, तो जो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, जो बेसिक ज्योग्राफी वगैरह और जो बेसिक मैथ्स हैं, तो ये मेरे को थोड़े सीरियसली अच्छे से पढ़ाई किया सर इस पर, और ठीक उस टाइम जो कोरोना लॉकडाउन की स्थिति थी तो घर में बच्चों को ही पढ़ाता था सर, तो यहाँ से सर ये एक हॉबी के रूप में डेवलप हुआ सर। मैंने चलिए उस समय पढ़ाए होंगे पर अभी तो नहीं पढ़ा रहे होंगे सर, अभी भी घर में जाता हूँ तो जो इस घर के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ जो स्कूल है गांव के प्राइमरी स्कूल वहाँ भी जाके पढ़ाया हूँ सर। तो क्या अनुभव रहा है अभी तक क्या आपका बच्चों को पढ़ाने का? सर बच्चे जो मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है जो खासकर जो छोटे बच्चे हैं, मैं पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजी होती है, जैसे आप एक इंजीनियर हैं तो आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, तो आप एक समझदार बच्चे के रूप में सिविल सर्विस की तैयारी करना है, आर्ट्स वाले बच्चों की अपेक्षा थोड़ा बहुत आपको फायदा हुआ होगा, खासकर CSET के पोर्शन में थोड़ी तार्किक क्षमता भी आपकी बेहतर रही होगी। ये तो हम ट्रेड चुनने के बाद की बात करें, एक बच्चा होता है जो एकदम इनिशियल लेवल पर होता है जैसे कच्चा खड़ा होता है, तो उसकी साइकोलॉजी के बारे में आपको क्या समझ में आया?
सर बच्चों को सर उनके ही जो खेल खेल में अगर पढ़ाएं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है सर उनके लिए। और उनको ऐसे जो क्लास में बैठा के यदि सिर्फ मुंह से जो अवधारणा के स्तर पे बात करें उनसे तो कनेक्ट करने में थोड़ा समस्या होती है सर उनके लिए। जो बेसिक मैथ है सर, खासकर जो एवरेज एवरेज जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें सर यदि खेल खेल में उनको गेंद का एग्जाम्पल्स दें, लड्डू का एग्जाम्पल्स दें, या फिर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनके बाद सब खेल खेल में उनको बता दें उन सब चीज़ों को, तो जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं सब्जेक्ट से सर। तो मतलब आप एक एग्जांपल देके बताइए कि एक टॉपिक है, आपने उसको इस तरीके से पढ़ाया बच्चों को। जैसे सर मैं इसी एवरेज का ही एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, तो जैसे इसमें सर तीन तीन कैरेक्टर लेके आते हैं, जैसे बच्चों के लिए और इंटरेस्टिंग होता है सर जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उनका नाम उस पर रख देते हैं। जैसे एक मोटू पतलू का एक सीरीज आता है, तो मोटू पतलू और एक एक का कैरेक्टर लेते हैं चिंगम सर करके, उसे पुलिस ऑफिसर रहते हैं। तो इसमें फिर यदि जो लड्डू का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक को तीन लड्डू मिला है और एक को चार लड्डू मिला है और एक को दो लड्डू मिला है, तो सब मिला के जो जो है टोटल जो है एवरेज निकालना है, तो बच्चों को समझाएं कि सब पहले तीनों का जोड़ेंगे तो तीनों लड्डू हो गया 9 लड्डू, फिर इनको तीनों जो तीन पर्सन है जो उनसे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इनको इस माध्यम से बताया जा सकता है कि पहले जो संख्या रहती है उनको पहले ऐड करें और जो कितने लोगों की संख्या है, कितने लोग हैं वहाँ पे, उनसे डिवाइड करें तो और औसत निकाला जा सकता है सर। क्या प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद इस हॉबी को कंटिन्यू रख पाएंगे? सर थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी सर अभी जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सर, यूट्यूब या फिर जो भी गूगल मीट जूम के माध्यम से सर कंटिन्यू किया जा सकता अभी है है कोई आपका यूट्यूब चैनल? सर। अभी वर्तमान में यूट्यूब चैनल नहीं है सर, लेकिन गूगल मीट के माध्यम से जो स्क्रीन शेयर की सुविधा मिलती है उससे मैंने पढ़ाया है सर। आशीष जी, आप एक जनजाति कम्युनिटीज बिलोंग करते हैं, गौंड जनजाति से। आप बताइए कि जाति और जनजाति में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर जाति जो टर्म है वो सामाजिक सामाजिक शब्द है सर, जबकि जो जनजाति है वो संवैधानिक संवैधानिक शब्द है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजाति का उल्लेख किया गया है सर। क्या होता है जनजाति? सर परिभाषा सर, जी किसे कहते हैं जनजाति? सर जनजाति वे समुदाय हैं जो समाज जिनकी एक विशेष संस्कृति होती है और वो एक समाज से कटे हुए रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों पे सामान्यतः निवास किया इनकी पाई जाती है सर। छोटा नागपुर के पठार में पाए जाने वाली कुछ जनजातियों के नाम बताइए। सर मुंडा जनजाति वहाँ पाई जाती है, सॉरी सर बाकी रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप कहाँ से हैं? आपका जिला कोरबा से है। तो कोरबा में आप कोई भी ऐसे प्रमुख तीन स्थल का नाम बताइए जो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सर कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ की गोवा कहे जाने वाली सतरेंगा पर्यटन स्थल है, और छत्तीसगढ़ की मॉरिशस कहे जाने वाली बूका विहार है, इसके अलावा सर छत्तीसगढ़ की कश्मीर कहे जाने वाली चित्तौड़गढ़ भी है सर, सॉरी सर छत्तीसगढ़ की कश्मीर कहे जाने वाली चैतुरगढ़ है। यस सर। आप उद्योग के बारे में, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान रखता है, किस श्रेणी में आता है? जिले जिले की श्रेणियां हैं, ठीक है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, तो उस श्रेणी में कोरबा किस श्रेणी में आता है? सॉरी सर जानकारी नहीं है इसके बारे में। जी कोरबा के प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। सर कोरबा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है सर, जिसमें जो ताप विद्युत गृह है उसके माध्यम से 1840 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के जो CSEB के अंडर पे है, उनमें सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है, और हसदेव ताप विद्युत गृह है, और साथ ही साथ कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह है सर। इसके अलावा जो खनन उद्योग है कोयला के क्षेत्र में, कोयला खनन का जो उद्योग है सर उसमें वहाँ मुकुंद घाट, कोरबा, गेवरा और कुसमुंडा जैसे कोयला खदान है सर वहाँ। जी वहाँ बालको भी है। हाँ सर बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी है सर एक। कब इसकी स्थापना हुई थी? सॉरी सर डेट रिकॉल नहीं कर पा रहा। वर्तमान में ये किस प्रकार की कंपनी है, इसका दर्जा किस प्रकार का है, या सार्वजनिक क्षेत्र का है या निजी क्षेत्र का है या कुछ इस प्रकार का, इसका क्या अभी वर्तमान में दर्जा है? सर ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का संयुक्त उद्यम है सर ये। संयुक्त उद्योग। आप बताइए कोरबा में जो कोयले खदान है, ठीक, यहाँ प्रमुख रूप से कौन कौन से कोयले खदान है? प्रमुख रूप से मतलब मेरा है प्रमुख क्षेत्र बताइए आप, क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र से या कौन कौन से माइंस के माध्यम से कोयला का उत्खनन किया जाता है? कुसमुंडा क्षेत्र है सर एक, कुसमुंडा, गेवरा, कोरबा, मुकुंद घाट, और एक कोयला चोटिया क्षेत्र है सर एक।
कोयले की कितनी किस्म पाई जाती है और आपके इस कोरबा में कौन सा किस्म का बहुत आयात है? सर, कोयले के चार प्रकार पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हमारे कोरबा जिले में सर बिटुमिनस प्रकार के कोयला जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या इसमें मतलब ये कैटेगरी किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, क्या इसका आधार है? सर, इसमें कार्बन की उपलब्धता के अनुसार इस पर डिवाइड किया जाता है सर इसको। जी, कैसा है, कार्बन किसमें ज़्यादा है किसमें कम है? एंथ्रेसाइट में कार्बन की उपस्थिति सबसे ज़्यादा पाई जाती है और जो पीट है उसमें सबसे कम पाई जाती है सर। भारत में कोकिंग कोयल का उत्पादन कहाँ होता है? सॉरी, यह होता भी है कि नहीं भारत में? सॉरी सर, जानकारी नहीं इसके बारे में, कुकिंग कोल के बारे में जानकारी नहीं है। आप भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में बताइए कि भारत में किन किन स्थानों पर परमाणु विद्युत ग्रह है? सर, तमिलनाडु में कल्पक्कम क्षेत्र है और महाराष्ट्र में तारापुर और कर्नाटक में, सॉरी सर कर्नाटक का याद नहीं कर पा रहा हूँ, और गुजरात में कैगा क्षेत्र है सर, बाकी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आपके लास्ट वर्ड से ही क्वेश्चन उठाते हैं। कैगा पक्का गुजरात में है? आर यू श्योर? सॉरी सर, ये कैगा नहीं है सर, काकरा पार रहेगा अभी खाली में, जो नया कर्नाटका में है। हाँ ठीक, बाकी और तारापुर, सॉरी सर नरोरा कौन से राज्य में? सॉरी सर, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तिरावत भाटा, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुल हमारे यहाँ 7 प्रमुख केंद्र जिसमें से 22 में उत्पादन होता है। आप मुझे ये बताइएगा, पावर प्लांट जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, तो इसमें पावर प्लांट का भी बहुत बड़ा रोल है। पावर सिस्टम आप पढ़ते होंगे, सब्जेक्ट होगा या पढ़ा होगा आपने। आप मुझे ये बताइए, जो विद्युत उत्पादन किया जाता है भारत में अभी सर्वाधिक किस माध्यम से या किस प्रकार से हम कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज होते हैं, तो सोर्सेज में सबसे अधिक किस सोर्स का उपयोग किया जा रहा है? सर, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। थर्मल पावर प्लांट का मुख्य जो भाग, यानी कि जिसके लिए हम जानते हैं, एलिमेंट जो होता है, जो हमारा फ्यूल होता है, वो क्या होता है, ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? कोयला भारत की किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? सर, ये गुडवाना क्रम के जो चट्टान है उसमें कोयला पाया जाता है सर। कौन क्रम है जिसमें बहुत कम कोयला आपको देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादातर असम वाले क्षेत्रों में या हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, इसमें आप मुझे एक चीज बताइए, जो विद्युत निर्माण किया जा रहा है, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने मिशन पंचामृत भी लॉन्च किया था, दिया था, तो मिशन पंचामृत जो है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित है। इसमें 5 जो मुख्य बातें करी गई थी, कोई भी आप 3 जो मुख्य बिंदु हैं आप वो बताइए मुझे पंचामृत के तहत, क्योंकि लगभग पूरी चीजें ऊर्जा से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आप मिशन पंचामृत के कोई भी 3 जो बिंदु हैं वो आप मुझे बताएंगे। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। आप जो हैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कोरबा से है ना, वो ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक हाथी के लिए कुछ क्षेत्र जो है वो आरक्षित किया गया था या किया गया है, जो भी है, उसका नाम क्या है? सर, लेमरू क्षेत्र को हाथी या बहराट के रूप में घोषित किया गया है सर, उस लेमरू क्षेत्र को। क्या कारण है कि उस क्षेत्र को ही वहाँ पे चिन्हित किया गया है, कुछ विशेषता, उसकी भौगोलिक विशेषता? सर, वो हाथियों का एक गलियारा है सर, वो वहाँ पे आए दिन मानव हाथी वन्य संघर्ष, मानव हाथी जो संघर्ष है वो होते रहते थे, तो वो क्षेत्र को सर लेमरू को क्षेत्र को हाथी अभयारण्य के रूप में चिन्हित किया गया है सर। अच्छा, एक जो क्षेत्र होता है हम अभयारण्य कहते हैं और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे आप? सर, अभयारण्य क्षेत्र में जो जलावन लकड़ी को इस स्तर पे हो या फिर जो पशुओं को चराने के स्तर पे हो, कुछ जो नियम होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, जबकि नेशनल पार्क में सर ये सब प्रतिबंधित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का जो अधिकार है वो मुख्यतः किसके हाथ में होता है, राज्य या फिर केंद्र सरकार? सर, दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? सॉरी सर, जानकारी नहीं इसके बारे में। किस अधिनियम के तहत किया जाता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, आपने एलिफेंट की बातें करी, तो यह जो संरक्षण अधिनियम है या एलिफेंट के संरक्षण के लिए जो लेकर आया गया था एक्ट, वो कब लेकर आया गया था? सर, एक गजराज परियोजना 1992 में लाया गया था। और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट था वो
सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर आगे देखो, अपन गांव के बारे में बता यार, छिंदिया के बारे में कुछ। अमन मल्ला सर, ये छिंदिया ग्राम पंचायत कोरबा जिले के पौड़ी भरोटे तहसील के अंतर्गत आती है। हिंदी में नहीं, छत्तीसगढ़ी में बता। सर मोर गांव का नाम छिंदिया है सर, ग्राम पंचायत मोर ग्राम पंचायत के नाम, ये कोरबा तहसील के पौड़ी भरोटे तहसील के तहसील में आते है। पौड़ी भरोटे तहसील बहुत फेमस है, क्या चीज़ पर है सर? पौड़ी भरोटे तहसील पूरे छत्तीसगढ़ के जो जितना भी तहसील है उगर सबसे उनमें से सबसे बड़े तहसील है सर। अभी नवा तहसील मन बने ते हुआ सबले बड़ा है। हाँ सबसे बड़ा, सबले बड़ा है सर। हाँ हम आगे बताते रहते ला, कंटिन्यू कर। एक अलावा सर, जो हमारे गांव के मेन विशेषता है वो जो जो वहाँ के गांव के स्तर पे जो पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित, जो पेड़ पौधे हैं उगर संरक्षित करे वह ज़्यादा काम करते हैं। जो अपन अपन हित के लिए जो काटते हैं पेड़ ला उगर पर जुर्माना लगाया जाता है सर। और एक अलावा सप्ताह में एक दिन पशु के से जो है काम ले बा छुट्टी रहती है, वो पशु के जो है आराम करे बा सर। तो स्कूली शिक्षा वहीं से हो है शुरू? हाँ सर, पहली से पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई गांव में हो है। ठीक, बढ़िया है। अच्छा एक बात बता कि कोरबा में एलंग ओलंग बोलते हैं और इतनी इडार उडार बोलते हैं, क्या कारण है सर? सर ये क्षेत्र क्षेत्र के स्तर पे बदलाव देखे जाते हैं सर ये भाषा में। एक बार एक आठन छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति है, मुहावरा है का कि हर जगह में बोली बदलते, पानी और बानी ऐसे कुछ याद आवत है? सॉरी सर याद नहीं। एक कोस में पानी बदले, तीन कोस में बानी, नहीं सुने? रिकॉल नहीं कर पाते सर। चलो ठीक ठीक है, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, आराम से बैठ जाइए आशीष। कैसा लग रहा है इंटरव्यू देके? ठीक है सर, बाकी अभी छत्तीसगढ़ी में थोड़ा कम। तो आप छत्तीसगढ़िया आदमी हो, छत्तीसगढ़ी कैसे नहीं बोल पा रहे हो? सर अचानक से इंटरव्यू बोर्ड में छत्तीसगढ़ी बोलने पर थोड़ा क्या हो गया इंटरव्यू बोर्ड के अब छत्तीसगढ़ी। देखो ये दिखाता है कि आपको अपनी बोली, अपनी मातृभाषा का मतलब ज्ञान नहीं है, ऐसा दिखाता। मान सम्मान तो होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन ज्ञान नहीं है ऐसा दिखाता थोड़ा सा। आप तो कंफर्टेबल गांव के आदमी हो, बचपन से पढ़े हो, यदि आप ऐसा बोलोगे कि मैं छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाऊंगा तो गड़बड़ है ना सर। देखो जो शुरू से आप आए बैठे, इतना शानदार इम्प्रेशन आपका है ना सर, और जिन प्रश्नों का आपको उत्तर नहीं पता उसमें उन्होंने आपने बहुत कॉन्फिडेंटली आपने कहा कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कोई रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ी ना जानना, आप छत्तीसगढ़ी आपकी मातृभाषा है, आप जनजाति वर्ग से आते हैं, आप गांव को बिलोंग कर रहे हैं, आप उस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे कोरबा को, वनांचल क्षेत्र जिसको बनगवा क्षेत्र कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी नहीं आना तो ये तो गड़बड़ बात है सर। छत्तीसगढ़ी आता है ऐसे अभी तक कोई सवाल ही इस टाइप से छत्तीसगढ़ी में अभी बोला ही नहीं, तो इसके से घर में जो बोलचाल है, घर में बातचीत होती है कौन से लैंग्वेज में? छत्तीसगढ़ी में ही होती है। तो छत्तीसगढ़ी में गुठिया था, यहाँ गुठिया ना जी। अब मान के चल आप जब अधिकारी वर्ग हो तब बहुत से जो कार्यक्रम अपना छत्तीसगढ़ी में ही संचालित करे लगे है ना। तो अभी जब सर मन हमन गोठिया था तो आप छत्तीसगढ़ी में गोठिया हो, बिल्कुल हिंदी बोलने की जरूरत ही नहीं है, खबर तीनों जानते हैं छत्तीसगढ़ी। यदि मैं आपसे छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछ रहा हूँ तो आपको कहने का मतलब बोलना ही नहीं पड़ना चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ी में उत्तर दीजिए। यदि आप हिंदी में उत्तर दे रहे हैं उसका तो ये बहुत खराब इम्प्रेशन जाता है। एक तो आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, मूल निवासी छत्तीसगढ़ के, और आपको छत्तीसगढ़ी के लिए सम्मान नहीं। आप हिंदी भाषा तो हमारी मातृभाषा है, सबकी मदर टंग है, लेकिन छत्तीसगढ़ी हमारी जान है, मान है, शान है, सम्मान है। ठीक है, आप रेडी रहिए कि कोई ना कोई, इनफैक्ट मेन इंटरव्यू में भी उस प्रकार की चीजें रहेंगी। आप वहां पर लिखा भी रहता है विशेष रूप से द्वितीय तृतीय जो क्लास है उसके लिए छत्तीसगढ़ी का विशेष ज्ञान होना आपको आवश्यक है, और आजकल पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में होता है छत्तीसगढ़ी पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, छत्तीसगढ़ी बोलने में आप नॉर्मली कंफर्टेबल रहिए है ना। मतलब इंटरव्यू को आप बहुत फॉर्मली ले रहे हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ी ऐसी एक भाषा है जहाँ आपको कहीं भी बोलने का मौका मिले तो आपको बोलने से चूकना नहीं है। मेंस कैसा गया आपका? पिछले साल से ठीक गया सर। पिछले साल इंटरव्यू दिए थे? हाँ इंटरव्यू दिया हूँ। तो कितना नंबर आया था इंटरव्यू में? सर 65 मिला था। इस बार आपका 85 प्लस से कम नहीं आना चाहिए।
जिसकी आप जैसी आपकी तैयारी है, बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, इन सवालों का जवाब नहीं आता है वो कॉन्फिडेंटली आप नो बोल रहे हैं, ऐसी तैयारी रखिए, बढ़िया रिलैक्स होकर के जाइए, बहुत ज़्यादा और मॉक इंटरव्यू दिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रिपेयर्ड है, बस जो अपनी ओरिजिनैलिटी है उसको मत छोड़िएगा, जो अपने छत्तीसगढ़ियापन है उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, वहाँ यदि प्रदर्शन करने के लिए कहा गया तो आप जरूर उसको बोल करके दिखाइए, ठीक है, ठीक है सर, बस हमारी पूरी शुभकामनाएं, एक बार सिलेक्ट होकर के आइए, ठीक, ठीक है सर, अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ, आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको।